नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। वंशीधर नगर, नगर पंचायत वंशीधर नगर की बोर्ड की बैठक नगर पंचायत अध्यक्ष विजयलक्ष्मी देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सबसे पहले पुलवामा शहीद जवानों को 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में सरकारी भवन का माफी की गई। नसीम खान के टैक्स द्वारा 40 सरकारी भवन M34 की माफी की गई। अगली बैठक में अध्यक्ष महोदय के सामने समर्पित करना है टोटल भवन सरकारी दिसंबर 2018 तक का लक्ष्य। 78% वसूली की गया है, यदि 100% नहीं हो तो राशि कटौती कर ली जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना 2018 और 2019 में निर्णय लिया गया कि 276 लोगों का आवास शुरू किया जाए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले लाभुकों को वार्डवार सूचीपूर्ण रूप से उपलब्ध कराए हैं। पिछली बैठक के अनुपालन 60 दिनों के अंदर नहीं हुआ एवं फरवरी माह के अंदर सूची प्रस्तुत नहीं करते हैं तो सभी PMC को कार्यमुक्त हो किया जाएगा। बैठक में सफाई शुल्क वसूली करने के लिए एक कर्मी को रखना सुनिश्चित किया गया। विद्युत संबंधित संचिका खोल कर रखना, साथ ही जितना कंप्लेन हो उसे अगले बोर्ड में सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में सफाईकर्मी 10 से बढ़ाकर 17 सफाईकर्मी को किया गया ताकि नगर पंचायत स्वच्छ और सुंदर रहे। बैठक में वन विभाग को लेटर देकर तय किया गया कि लकड़ी की व्यवस्था की जाए एवं वन विभाग के क्रम को इसकी सूचना देना सुनिश्चित करे। बैठक में सभी वार्डों में गठित वार्ड कमेटी को मानसिक बैठक करने की सलाह दी गई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण, नगर पंचायत उपाध्यक्ष लता देवी, विधायक प्रतिनिधि अशोक सेठ, वार्ड पार्षद राजकुमार प्रसाद, राजेश कुमार, रंजन कुमार छोटू, नीरज कुमार, पुष्पा देवी, कामेश्राम, मीरा देवी, अनिल कुमार गुप्ता, शंभूराम, इंद्रावती देवी, चंचला देवी, सुनीता देवी, रामावेल तिरकी, इंद्रावती देवी, ललिता देवी, संध्या देवी सहित नगर पंचायत के सभी कर्मी भी उपस्थित थे। 16/2/19 को बोर्ड की बैठक की गई। इसमें सभी योजनाओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा 5 योजनाओं पर स्वीकृति दी गई। 276 आवास को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा सफाई कर्मी को भी कुछ और नए सफाई कर्मी रखे गए और इसके अलावा कई योजनाओं पर चर्चा हुई और कई योजनाएं पास भी की गई। धन्यवाद।